मध्य प्रदेश के सतना से है, जहां सतना के दहशतगर्दन का बीते दिना सीधी से गिरफ्तार कीन करा। इस दहशतगर्दन के द्वारा नागौद मा एक व्यापारी का अगवा कई के थूक चटवाबा का रहा, गोल्डई पर बाबा का रहा, यहां तक कि डंडा लाठी से खूब मारपीट कीन गई रही। और साथ में अपना प्रोजेक्ट बताया दी कि यह व्यक्ति के द्वारा, मुख्य आरोपी के द्वारा जान से मारे के गोली से भूजे तक की धमकी दीन गई रही। यह पूरे मामला मा अब मामला सत्ता के कलेक्टर कोर्ट पहुंच चुका है, जहां रासुका के तहत प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना प्रोजेक्ट का सब जने का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थी यह बेहद बड़ी खबर के, जो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बताया दी कि सत्ता के नागौद कस्बा में गढ़ी चौराहा में 15 अगस्त का दिन दहाड़े युवा व्यापारी संतोष पांडे का अगवा कई के बेरहमी से पिटाई कई के अमानवीय बर्ताव करे के मुख्य आरोपी शशांक सिंह बघेल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्ट्रेट कलेक्टर अजय कटेसरिया के कोर्ट में जो है पेश किया है। कलेक्टर कोर्ट में 19 अगस्त का यह प्रस्ताव पर विचार हुई। कोलगवा टीआई डीपी सिंह के प्रस्ताव पर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के द्वारा यह प्रकरण डीएम कोर्ट में पेश कर दिया गया है। यह बीच वारदात के बाद फरार एक अन्य आरोपी प्रहलाद कुशवाहा का बुधवार के रात उचेहरा पुलिस के द्वारा ओके खूझा स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है, जेकर तलाश की थी। पुलिस जो है अलग अलग स्थान पर पार्टी छापामारी कर रही है। साइबर सेल जो है पूरी तरह से एक्टिव है। अपना प्रोजेक्ट बताया दी कि यह बीच जो है सीधी से पकड़ माए मुख्य आरोपी शशांक सिंह बघेल, पिता मधुप सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी सुनौरा थाना कोलगमा, विनय सिंह पिता शिवेन उम्र 22 वर्ष निवासी कैथा इटमा थाना उचेहरा का बुधवार का न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डीपी सूत्रकार के कोर्ट में पेश किया। दोनों आरोपी के से पूछताछ की तिर 20 अगस्त तक नागौद पुलिस अपने साथ लाई गई। नागौद थाना में शशांक और विनय समेत चार आरोपी के विरुद्ध आईपीसी के सेक्शन 341, 294, 323, 365, 386, 500, 506 और 34 के तहत जो है अपराध दर्ज है। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के द्वारा बताया गया कि यह मामला में अनुज ट्रेडर्स के संचालक रोहित अग्रवाल की भूमिका जो है ओहू के जांच कराई जा रही। अपना प्रोजेक्ट बता दी कि यह पूरा मामला जो है सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मां संतोष पांडे को जान से मारे की धमकी के मद्देनजर पुलिस के द्वारा अवैध शस्त्र के आशंका पर मुख्य आरोपी शशांक सिंह बघेल के सोनौरा स्थित घर के तलाशी ली गए। तलाशी खातिर जो है पुलिस घर गए और पुलिस का तलाशी में कौनो यमे के जो है शस्त्र हालांकि मिले नहीं आई, कुछ जो है वहां पड़े कपड़न का जब्त किया गया है। पहले आरोपी का रामनगर के थाना प्रभारी अशोक गौतम के द्वारा टीम सीधी से लई के कोलगमा थाना पहुंची रही और यहीं से नागौद एसडीओपी रविशंकर पांडे, नागौद टीआई राजेंद्र मिश्रा, कोलगमा टीआई डीपी सिंह एक टीम दोनों आरोपी का लई के सोनौरा पहुंची रही। अपना प्रोजेक्ट बताया दी कि नागौद टीआई राजेंद्र मिश्र के द्वारा बताया गया कि व्यापारी संतोष पांडे के साथ आरोपी संतोष सिंह एवं अन्य के झगड़ा नया न हो, उनके द्वारा बताया गया खेरमाई रोड स्थित अनुज ट्रेडर्स के संचालक रोहित अग्रवाल से संतोष पांडे द्वारा बिल्डिंग के मटेरियल के खरीदी की जा रही। पिछले साल जनवरी माह सामान लेब देब बंद हो गया। अनुज ट्रेडर्स के संचालक के द्वारा ऊपर 1.5 लाख की उधारी निकाल रखी है। संतोष पांडे कहा है कि तौल से कम निकले के माल के हिसाब हो चाहिए। नागौद पुलिस के द्वारा बताया गया कि उधारी के वसूली के लेके अनुज ट्रेडर्स के संचालक के साथ आरोपी शशांक सिंह एवं अन्य आरोपी रंगदारी दिखावे की थी। पिछले साल 11 जनवरी का संतोष पांडे के गांव उड़दान गए रहे, मगर इस झगड़ा के दौरान आरोपी का भागा कपड़ा रहा, लेकिन तब दोनों पक्षन मां केहू के द्वारा पुलिस मां शिकायत नहीं कीन गई रही। अपना प्रोजेक्ट बता दी कि एकर यह पूरे घटनाक्रम के मुख्य आरोपी शशांक के विरुद्ध कोलगमा थाना मां पहले से आईपीसी के धारा 353, 294, 506 और 34 के तहत पहले से एक अन्य अपराध क्राइम नंबर 1367/20 दर्ज है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सहायक यंत्री दिनेश कोरे के द्वारा पिछले साल दिसंबर माह
सोनावरा मा टावर लाइन के काम के दौरान गाली गलौज करे और शासकीय कार्य में बाधा खड़ी करे एवं जान से मारे की धमकी के शिकायत दर्ज की गई है। तो सीधे तौर पर समझी कि मुख्य आरोपी आदतन अपराधी आए आरोपी आए और ऐसा आरोपी का जो है कहो सजा इनकर माफ ना हो चाहिए, इनका कड़ा से कड़ा दंड मिले चाहिए और इस समाज के एक दुश्मन नहीं जो समाज के अंदर एक वैमनस्यता फैलावे के काम कर रहे हैं। हालांकि जो में यह पूरा मामला है यह बेहद पेचीदा मामला है जो उन्हें का पुलिस बारीकी से देख रही है और सबसे बड़ी बात कि अब कलेक्टर कोर्ट में रासुका के जो कार्यवाही चल रही है तो यदि रासुका लगावा जात है तो बेहद बड़ी कार्यवाही यह पूरे मामला में मानी जाए। अपन बहुत ख्याल रखी, सुनी पुलिस अधीक्षक के पूरा बयान, धन्यवाद, प्रणाम। पुलिस के संज्ञान में जो सारी चीजें आएंगी तो इमीडिएट इसमें एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के अलावा अन्य धाराओं में केस रजिस्टर किया गया है। शशांक बघेल और अन्य तीन के खिलाफ FIR हुई थी। पुलिस ने तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी टीमें रवाना की और करीब आरोपियों पर 10,000 रुपये का अवार्ड घोषित किया था। इसके बाद इनको लोकेशन के आधार पर सीधी पुलिस के सहयोग से रात में ही जो प्रमुख आरोपी है और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कस्टडी में लिया गया है। कस्टडी में लेके पुलिस सतना पहुंची है, पूरे मैटर को काफ़ी गंभीरता से इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस प्रकरण में इसके अलावा और भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बड़ा मामला सर ये है कि पहले शिकायत किया उसमें 159 के तहत इस तरह की लापरवाही बड़ी घटनाओं में जो वहाँ पे थाना प्रभारी थे के संज्ञान में जो तथ्य सोशल मीडिया के माध्यम से आए और इन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया उसके माध्यम से आए, उस पर त्वरित कार्रवाई की गई है। 15 तारीख की घटना में जो तथ्य थाने में बताए गए थे उनमें संपूर्ण रूप से तथ्य नहीं बताए गए थे। इसलिए जब पूरा मैटर इस तरीके से संज्ञान में आया, उसके घटना के फुटेज हमें मिले, निश्चित रूप से एक बहुत ही गंभीर घटना सामने आई है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और शेष जो 2 आरोपी बचे हुए उनकी उसी गिरफ्तारी की जाएगी।